नमस्ते बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग संकलित आलेख कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स के बारे में हम लोग जान रहे हैं और उसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने उसके मीनिंग के बारे में, डिफिनीशंस के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना, प्रिंसिपल्स के बारे में जाना। अब हम लोग उसके आगे की बातों पर ध्यान देते हैं, आगे की चर्चाएँ करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कम्युनिटिव रिकॉर्ड के फॉर्मेट्स के बारे में चर्चा करते हैं। हम जब फॉर्मेट बनाते हैं तो क्या करेंगे, कम्युनिटिव रिकॉर्ड्स का फॉर्मेट किस तरह से बनाए जाएंगे। लेस्टर डी क्रो तथा एलिस क्रो ने संचयी अभिलेख के प्रारूप तथा उससे संबंधित विभिन्न प्रकार की सूचनाओं एवं तथ्यों का उल्लेख करते हुए जो चीज़ें डिस्कस की हैं और उस आधार पर जो कम्युनिटिव रिकॉर्ड्स में पॉइंट्स को नोट किया है वो पॉइंट्स आप लोग भी नोट कर सकते हैं। क्या क्या सूचनाएं हमें प्राप्त करनी चाहिए, सबसे पहले स्टूडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जिसको जनरल इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं। स्टूडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या होगा, स्टूडेंट्स का नाम होगा, उसका एज होगा, उसकी उसके माता पिता का नाम होगा, उसके पेरेंट्स का नाम होगा, उसका एड्रेस होगा, है ना। इन सब चीज़ों के बाद वो किस क्लास में पढ़ता है, किस सेक्शन में पढ़ता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम विद्यार्थी से संबंधित एक छोटी सी जानकारी सबसे पहले पॉइंट में लिखेंगे। दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उसका फैमिली स्टेटस कैसा है। देखिए, कम्युनिटी रिकॉर्ड्स जो है वो बड़े पैमाने पर बनता है, इसको हम रिपोर्ट कार्ड नहीं कह सकते, लेकिन लगता है कि रिपोर्ट कार्ड ही है। लेकिन रिपोर्ट कार्ड में कुछ स्पेसिफिक जो है इन्फॉर्मेशन बच्चों से संबंधित रहता है, लेकिन इसमें सारे इन्फॉर्मेशन रहता है। तो दूसरा पॉइंट है पारिवारिक स्थिति, फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली स्टेटस के बारे में, जिसमें छात्र की घरेलू दशा का वर्णन, उसका पारिवारिक स्थिति में कितने भाई बहन है, उसके घर में कौन कौन से लोग रहते हैं, स्कूल से विद्यालय की कितनी दूरी है, विद्यालय के आसपास किस प्रकार का वातावरण है, या विद्यालय उसके घर में और कौन कौन से लोग रहते हैं, फैमिली में कौन चाचा चाची दादा दादी, या उसके घर में और भी कौन कौन से मेंबर्स हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में उसमें वर्णन दिया रहता है। तीसरा, इकोनॉमिकल स्टेटस, छात्र का इकोनॉमिकल स्टेटस कैसा है, मतलब उसकी आर्थिक दशा कैसी है, उसके घर में, उसके परिवार में, उसके फैमिली में उसका इनकम स्टेटस कैसा है, उसके माता पिता क्या करते हैं, शिक्षक हैं कि मजदूरी करते हैं, कि साइकिल रिक्शा चलाते हैं, या दुकानदारी करते हैं, या इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, IAS हैं, IPS क्या हैं, किस प्रकार का इकोनॉमिकल उसका रिसोर्सेज उस घर में है, उन सारी चीज़ों के बारे में आप वहाँ वर्णन कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिकल स्टेटस का प्रभाव कहीं ना कहीं बच्चों पर पड़ता है। चौथा पॉइंट है हेल्थ संबंधी विवरण, मतलब स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों के बारे में जानकारी आपको लिखनी है कि बच्चे जो हैं वो किसी प्रकार की बीमारी से तो ग्रसित नहीं है, या उसकी सामान्य शारीरिक दशा कैसी है, उसका वजन अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, उसका हाइट सही है कि नहीं है, वेट सही है कि नहीं है, उसका आकार कैसा है, वो दिखता कैसा है, गोरा है कि काला है कि नाटा है, ये सभी प्रकार की चीज़ों का वर्णन उसमें दिया रहता है। हेल्थ यदि डाउन है तो इस आधार पर में हम इवेल्युएट करके बता सकते हैं उसके माता पिता को कि इसका हेल्थ डाउन रहता है, इस पर काम करने की ज़रूरत है, या इसको डॉक्टर से दिखाने की आवश्यकता है, चिकित्सीय सलाह लेने की आवश्यकता है। तो इसीलिए हेल्थ संबंधी रिकॉर्ड के बारे में चौथे नंबर पॉइंट पर में विवरण दिया रहता है। चौथा है शैक्षिक विवरण, एजुकेशनल रिकॉर्ड, एजुकेशनल रिकॉर्ड में छात्र की उपलब्धि कैसी है, क्लास में उसका अचीवमेंट कैसा है, एजुकेशनल अचीवमेंट कैसा है, वो टेस्ट में कैसा नंबर लाता है, यूनिट टेस्ट में कैसा नंबर लाता है, फॉर्मेटिव सबमेटिव टेस्ट में कैसा नंबर लाता है, ओरल टेस्ट में कैसा नंबर लाता है, उन सभी चीज़ों के बारे में आप बृहत रूप से अध्ययन करके या बृहत रूप से मूल्यांकन करते हुए उन सब चीज़ों को लिखना है, और सत्य लिखना, याद रखिएगा असत्य नहीं, एकदम ट्रू होना चाहिए, फॉल्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसी आधार पर में डिसाइड किया जाएगा कि बच्चा का अचीवमेंट कैसा है और उसको क्या करने की ज़रूरत है। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं से संबंधित अभिलेख, मतलब पार्टिसिपेशन ऑफ CC एक्टिविटीज, छात्र को करिकुलर एक्टिविटीज में कितना पार्टिसिपेट करता है, वह खेल कूद में, नाटक में, संगीत में, वाद विवाद में, या फिर राष्ट्रीय सेवा योजना, स्काउट्स है, NCC है, इन सब चीज़ों में उसका पार्टिसिपेशन कैसा है, किन चीज़ों में वो ज़्यादा ध्यान देता है, किन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, और यदि देता है तो उसकी सहभागिता का स्तर क्या है ना, उसका एक लेवल क्या है,
वो अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या मीडियम है, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, या एकदम नॉर्मल है, तो इन सब चीज़ों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा किया जा सकता है। उसके अलावा कैरेक्टर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड रिकॉर्ड है, बच्चे का कैरेक्टर कैसा है और उसकी पर्सनालिटी जो डेवलपमेंट संबंधित जो रिकॉर्ड होते हैं, जैसे मान लीजिए वो उसका डिसिप्लिन कैसा है, वो उसमें क्यूरिसिटी कितनी है, वो नम्र है कि नहीं है, वो एक दूसरे के साथ रिस्पेक्टफुली फेस आता है पेश आता है कि नहीं आता है, वो एक दूसरे का आदर करता है कि नहीं करता है, वो डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, शिक्षक के आदेशों का पालन करता है कि नहीं करता है, लड़ाई झगड़ा तो नहीं करता है, अनेक प्रकार की चीज़ों का वर्णन जो है व्यक्तित्व से संबंधित और कैरेक्टर से संबंधित यहाँ दिया जा सकता है। इसके अलावा व्यक्तिगत संभावनाओं से संबंधित अभिलेख, वह आगे चल करके किस प्रकार के फील्ड में कैसा कर सकता है, तो शिक्षक ये भी गेस करके उसमें डाल सकता है कि वह इन सब विषयों में रुचि रखता है, और यदि बच्चे को इन सब विषयों में आगे बढ़ाया जाए इन फ्यूचर तो यह अच्छा कर सकता है, तो ऐसा एक सजेशन आप दे सकते हैं या एक ऐसा एक ओपिनियन यहाँ दिया जा सकता है। छात्र से रिलेटेड यदि किसी प्रकार की किसी घटना का वर्णन है या विवरण है जो उसके स्कूल के पीरियड में हुआ है, तो हम उन सब चीज़ों के बारे में वो उल्लेख कर सकते हैं। इसके अलावा विशिष्ट प्रकार की रुचि, मतलब छात्र किस प्रकार की चीज़ों में ज़्यादा रुचि लेता है, किस प्रकार की चीज़ों में ज़्यादा उसको आनंद आता है, तो वो चीज़ें आप यहाँ उल्लेखित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए वह अच्छा भाषण देता है, जैसे मान लीजिए वह अच्छा ड्राइंग बना लेता है, जैसे मान लीजिए वह एक अच्छा उसकी अच्छी हैंडराइटिंग है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है हर बच्चे में जो उसको सब बच्चों से अलग करती है, तो यदि वो पॉजिटिव है अच्छा है तो आप उसका वर्णन यहाँ कर सकते हैं। इसके अलावा छात्रों की जो इन फ्यूचर प्लानिंग है, बच्चों से बात करके चाहे तो आप उन सब चीज़ों को भी डाल सकते हैं। छात्र किस विषय में ज़्यादा रुचि लेता है, किस विषयों को पढ़ने में ज़्यादा उसको फ्रेंडली लगता है, उसको दिक्कत नहीं होती है, किस विषय में ज़्यादा दिक्कत होती है, इन सब चीज़ों के बारे में भी आप वर्णन कर सकते हैं। साथ ही ये भी वर्णन कर सकते हैं कि उसकी व्यावसायिक रुचि कैसी है, वो आगे चल करके क्या करना चाहता है या किस प्रकार के व्यवसाय को अपनाना चाहता है, तो उसकी रुचि को ध्यान में रखते हुए छात्र से बात करके आप उन चीज़ों का वर्णन कर सकते हैं। देखिए हम नंबरिंग नहीं बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे हैं, तो आप सिक्वेंसली सारे चीज़ों को देखते जाएँ और नोट करते चले जाएँगे। उसका वर्क एक्सपीरियंस कैसा है, कार्य अनुभव कैसा है, जिस कार्य में उसको लगाया जाता है स्कूल में, जैसे मान लीजिए मॉनिटर का कार्य है, जैसे स्कूल में हाउस कैप्टन का कार्य है कि या किसी प्रकार का कोई लीडरशिप है, तो उस चीज़ में यदि बच्चा भाग ले रहा है और उस चीज़ में बच्चा यदि कोई रिप्रेजेंट कर रहा है या अपने आप को प्रस्तुत करता है एज ए लीडर, तो उस हिसाब से उस बच्चे का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है, उस चीज़ को भी आप यहाँ लिख सकते हैं। साथ ही साथ विद्यालय से संबंधित जो भी कार्य होते हैं, चाहे वो अवेयरनेस से रिलेटेड कार्य हो या वो कैंप से रिलेटेड कार्य हो या स्कूल एजुकेशन का जो ये एक्सचेंज प्रोग्राम होता है उससे संबंधित कार्य हो या एक्सकर्सन में बच्चे जाते हैं उससे संबंधित कार्य हो, अनेक प्रकार के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बच्चों के द्वारा करवाए जाते हैं, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बच्चा करता कैसा है, वो कितना कॉपरेट करता है टीचर्स को, अपने क्लासमेट्स को, या वो किस प्रकार का ओपिनियन रखता है या किस प्रकार की उसकी मेंटालिटी है, उन सब सारी चीज़ों को हम लोग इस फॉर्मेट में डाल सकते हैं। तो बच्चों फॉर्मेट देखिए छोटा मोटा फॉर्मेट नहीं है, बहुत बड़ा फॉर्मेट है ना, जिसमें बात हुई विवरण की, बच्चों के इन्फॉर्मेशन से संबंधित, फैमिली स्टेटस से संबंधित, इकोनॉमिकल स्टेटस से संबंधित, हेल्थ रिलेटेड है ना, एजुकेशनल अचीवमेंट से संबंधित, CCA से रिलेटेड, कैरेक्टर और पर्सनालिटी से संबंधित बात हुई, उसकी व्यक्तिगत संभावनाओं से संबंधित बात हुई, रुचि के संबंध में बात हुई, इंटरेस्ट से संबंधित बात हुई, साथ ही साथ एजुकेशनल प्लानिंग से संबंधित बात हुई, वोकेशनल इंटरेस्ट से संबंधित बात हुई, वर्क एक्सपीरियंस से संबंधित बात हुई, स्कूल रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से संबंधित बात हुई, स्टूडेंट लीडरशिप से संबंधित बात हुई, इन सब चीज़ों के बारे में वर्णन किया गया है। तो निश्चित रूप से आप इस फॉर्मेट को जब भरेंगे, टीचर्स हों चाहे एज ए काउंसिलर हों, काउंसिलर को यदि पहले से इन सब चीज़ों के बारे में
विवरण प्राप्त हो जाता है तो उनके लिए प्लस पॉइंट का काम करता है, क्योंकि ये लंबी अवधि में बनाया जाता है, लंबी अवधि में तय किया हुआ रहता है, डे बाय डे अपडेट करके इन सब चीज़ों को बनाया जाता है, तो काउंसिलर्स के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। इसीलिए स्टार्ट से ही जब बच्चा स्कूल में प्रवेश लेता है उस समय से ही जो है कम्युनिटी रिकॉर्ड बनाना स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए एक काउंसिलर के लिए प्लस पॉइंट का काम करता है। क्योंकि जब किसी विद्यार्थी को कोई व्यवसायिक परामर्श लेना हो, शैक्षिक परामर्श लेना हो या व्यक्तिगत परामर्श लेना हो, तो यदि कोई काउंसिलर वहाँ जाता है विद्यालय में, तो यदि शिक्षक से यह पूछे, उस विद्यालय से यह इन्फॉर्मेशन लेना चाहे कि क्या आप इस बच्चे का कोई कम्युनिटी रिकॉर्ड बनाए हैं या इस बच्चे के बारे में कोई व्यक्तिगत जानकारी या विशेष जानकारी कोई रिकॉर्ड है आपके पास, तो यदि आपने संकलित आलेख पत्र बनाए हैं, कम्युनिटी रिकॉर्ड बनाए हैं, तो वो उसके सामने आप प्रेजेंट कर सकते हैं। इस आधार पर में एक काउंसिलर को काफ़ी सहायता मिलती है बच्चे को काउंसिलिंग करते समय। तो ये रहा आपका फॉर्मेट। अब हम बात करेंगे महत्व के बारे में और उसकी उपयोगिता के बारे में, इस पर हम लोग डिटेल्स चर्चा करते हैं। संचयी अभिलेख का जो आवश्यकता है, सब जानते हैं कि यह शिक्षकों के लिए, यह परामर्शदाताओं के लिए और यह प्रशासकों के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन का काम करता है, एक बहुत बड़ा रिसोर्स का काम करता है किसी बच्चे के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है किसी भी विद्यालय के लिए। यदि हम गाइडेंस की, काउंसलिंग की बात करें, गाइडेंस में इसका क्या महत्व है? जैसे कि आप जानते हैं कि बच्चे, हर प्रकार के बच्चे हर प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर में सबकी अलग अलग मानसिकता है, सबकी अलग अलग लक्षण है, सबके अलग अलग गुण हैं, सबके अलग अलग विशेषताएं हैं, हर बच्चे एक दूसरे से भिन्न होते हैं और इसी विभिन्नता के कारण उसकी मनोवृत्तियाँ अलग होती हैं, अभिरुचियाँ अलग होती हैं, उसकी योग्यताएँ अलग होती हैं, और संचयी अभिलेख जो है इन्हीं व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर में बच्चों के बारे में सूचनाओं को प्रकट करता है। क्योंकि संपूर्ण सामूहिक रूप से हम संकलित आलेख नहीं बनाते, इंडिविजुअली बनता है, एक एक बच्चे का अलग अलग कम्युनिटी रिकॉर्ड बनता है। तो निसंदेह व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में हम उस आलेख से संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में हम जान पाते हैं और उस आधार पर में ये निर्णय ले पाते हैं कि विविध स्तर पर छात्र का क्या विकास हो सकता है या उसकी व्यक्तिगत क्या सहायता उसे दी जा सकती है या कितनी दी जा सकती है, उसका नेचर कैसा हो सकता है, इस आधार पर में गाइडेंस दिया जा सकता है, काउंसलिंग बच्चों को किया जा सकता है। ये निर्देशन से संबंधित छोटा मोटा महत्व है। दूसरा महत्व निर्देशन से संबंधित क्या है? संचयी अभिलेख, जैसा कि पहले ही बताया गया आपको, यह शिक्षार्थी से संबंधित एजुकेशनल अचीवमेंट का एक इतिहास है जिसमें उसकी उपस्थिति, स्वास्थ्य, उपलब्धि एटसेट्रा, इन सभी चीज़ों के बारे में वर्णन किया रहता है। और चूंकि यह विद्यार्थी विशेष के विशेष भविष्य की आवश्यकताओं का विश्लेषण करने में उपयोगी है, हम स्वाभाविक है संकलित आलेख पत्र के आधार पर में हम बच्चे के भविष्य के बारे में हम उद्घोषणा कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आगे चल करके ये बच्चा क्या करने वाला है। तो इस आधार पर में हम बच्चे को शैक्षणिक और व्यवसायिक निर्देशन दे सकते हैं। यदि मान लीजिए आपके कम्युनिटी रिकॉर्ड में बच्चे की शारीरिक स्थिति के बारे में हमें यह पता चल रहा है कि बच्चे का शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, तो हम बच्चे को शारीरिक स्थिति ठीक करने के लिए या फिजिकली जो अनफिट है उसको फिटनेस बनाने के लिए, फिट करने के लिए हम बच्चे को एज ए काउंसिलर या बच्चे को एज ए टीचर्स हम ये परामर्श सलाह दे सकते हैं कि उसके पेरेंट्स को, उसके माता पिता को, कि बच्चे में शारीरिक जो विकास है वो ठीक नहीं है, हमें इस पर में ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, तो आपको इस पर में ध्यान देना होगा। टीचिंग में क्या महत्व है कम्युनिटी रिकॉर्ड्स का, टीचिंग में क्या महत्व है? कहा जाता है कि एक शिक्षार्थी का व्यक्तिगत संचयी अभिलेख जो है उसके माध्यम से उसकी उपलब्धियों के बारे में, उसके माध्यम से उसकी मानसिक योग्यताओं के बारे में एक शिक्षक को पता चल जाता है और इस आधार पर में शिक्षार्थी की उपलब्धियाँ यदि कम हैं तो उसे निर्देश दिया जा सकता है और उसकी कमी के उपचार के लिए क्या क्या कदम उठाया जाना चाहिए, यह शिक्षक उस पर में प्लानिंग कर सकता है और उस पर में काम कर सकता है। यदि किसी बच्चे में अचीवमेंट, एजुकेशनल अचीवमेंट कम है तो उस पर में हम काम कर सकते हैं और उसके अचीवमेंट को और इम्प्रूव कर सकते हैं, टीचर इम्प्रूव कर सकता है। साथ ही दूसरा, विभिन्न विद्यार्थियों का संचयी अभिलेख, उसकी अभिरुचि, उसकी मानसिक योग्यताओं के अनुरूप हम विद्यार्थियों को क्लासिफाइड कर सकते हैं, हम व्यक्तियों के, मतलब छात्रों की रुचि,
मानसिक योग्यता, उसकी पर्सनालिटी या उसका जो एजुकेशनल अचीवमेंट है, इस आधार पर में हम क्लासिफिकेशन बच्चों का पूरे क्लासरूम का कर सकते हैं कि इस वर्ग में ये बच्चे आएंगे, इस वर्ग में ये बच्चे आएंगे, इस वर्ग में ये क्लासिफाइड कर देंगे, तो हमको संकलित आलेख पत्र बनाने में काफ़ी सुविधा हो जाएगी। तीसरा, एक कक्षा के विभिन्न शिक्षार्थियों का संचयी अभिलेख शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझने में नए शिक्षक की सहायता करता है। यदि कोई विद्यालय में नया टीचर आया है और विद्यार्थी बहुत पहले से पढ़ रहा है, वो बच्चा के बारे में विस्तार से जानना चाहता है ताकि वह तुरंत जो है एडजस्ट हो सके, चाहे बच्चा खराब हो चाहे अच्छा हो, तो वह कम्युनिटी रिकॉर्ड्स को पढ़ सकता है और उस आधार पर में अपने आप को अपडेट कर सकता है। चौथा, संचयी अभिलेख के माध्यम से हम एक व्यवहार की समस्या या एक शैक्षणिक समस्या का विश्लेषण करने के लिए हम एक टूल्स का भी काम करता है, एक उपकरण का भी काम करता है। जैसे मान लीजिए हम ये सोचें कि उसका जो शैक्षणिक निष्पादन है, अचीवमेंट जो है, जो वो अचीव कर रहा है, एजुकेशनल अचीवमेंट जो है, यदि इसमें वो काफ़ी पीछे है, तो हम बच्चे को सलाह दे सकते हैं कि इस पीछे होने का ये कारण है, इस पर में काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है और इससे संबंधित क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, हम ये उसके पेरेंट्स को बता सकते हैं, बच्चे से बातचीत करके बता सकते हैं उसे। इसके अलावा संचयी अभिलेख शिक्षार्थियों के बारे में शिक्षक को यह बताता है कि हमें किस शिक्षार्थी को, किस विद्यार्थी को व्यक्तिगत ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अकेलेपन का शिकार हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम अकेले, हमसे कोई बात नहीं करता, तो शिक्षक को हर विद्यार्थियों से बात करना चाहिए और उनसे तो ज़्यादा बात करनी चाहिए जो बिल्कुल एकदम अकेला रहता है या बहुत ज़्यादा मतलब अंतर्मुखी चाइल्ड है, वो किसी से बात नहीं करता, तो उसको व्यक्तिगत ध्यान देने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, उसको व्यक्तिगत सिंपैथी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। तो इस आलेख के आधार पर में शिक्षक यह तय कर सकता है कि हमें क्लासरूम में फलां बच्चे को इंडिविजुअली ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा संचयी अभिलेख शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत रिपोर्ट लिखने में शिक्षकों की सहायता करता है निश्चित रूप से, और प्रधानाचार्य की सहायता अधिक वस्तुनिष्ठता से चरित्र प्रमाण पत्र लिखने में भी करता है। याद रखिए, संचयी अभिलेख के आधार पर में जब विद्यालय से बच्चा निकल रहा होता है तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते समय यदि प्रिंसिपल चाहे तो उस बच्चे का कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड मंगवा सकता है, उसकी स्टडी कर सकता है और उस आधार पर में बच्चे को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे सकता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। इसके अलावा शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो हैं, एक्सेप्शनल चाइल्ड जो हैं, उसको चिन्हित कर सकता है और उसके अनुसार अपने टीचिंग को जो है समायोजित कर सकता है। यदि संकलित आलेख पत्र के हिसाब से शिक्षक ने यह ज्ञात कर लिया, वो समझ गया कि इस बच्चे में विशेष आवश्यकता है, विशेष आवश्यकता की चीज़ें हैं, इसको ये विशेष प्रकार की किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है। क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे डिफरेंट डिफरेंट चाइल्ड होते हैं, कोई मंद बुद्धि का है, कोई पिछड़ा बुद्धि का है, कोई प्रतिभाशाली बच्चा है, कोई निशक्त है, तो हर प्रकार के चाइल्ड है ना, तो हमें उन बच्चों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है जो विशेष चाहता है, उनको विशेष बल देना पड़ता है सीखने में, समझने में। तो हमें संकलित आलेख पत्र के माध्यम से हम यह बता सकते हैं या यह ज्ञात कर सकते हैं कि हमारे क्लासरूम में ऐसे कौन कौन से विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं। इस प्रकार से ये शिक्षण में किस प्रकार से महत्व रखता है उसके बारे में हम लोगों ने जाना। प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में, प्रशासक को यह किस प्रकार से महत्वता प्रदान करता है। कहा जाता है कि संचयी अभिलेख एक शिक्षार्थी के व्यवहार को समझने में प्रशासकों को काफ़ी महत्व देता है या सहायता प्रदान करता है। आप जानते हैं बच्चे कुछ अपराधी किस्म के भी होते हैं, उदंड किस्म के भी होते हैं, तो यदि कोई बच्चा ऐसा है तो उसके बारे में यदि प्रशासक को पता चलता है तो प्रशासक उस पर कार्रवाई कर सकता है, उसको स्कूल से रिस्ट्रिक्ट करवा सकता है, उसको निकाल सकता है या उस पर उसके माता पिता को उसके बारे में विस्तार से बता सकता है। तो प्रशासक के लिए भी बहुत बड़ा काम करता है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं तो ये बात कही गई है कि बाल न्यायालयों में पर्याप्त सूचना भी प्रदान करता है। यदि कोई बच्चा अपराधी किस्म का है और उससे कोई अपराध खुदा न खास्ते हो गया और यदि वह पकड़ा जाता है तो उसे यदि न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है तो बाल न्यायालय जो न्यायालय होता है, चाइल्ड जो कोर्ट है, चाइल्ड कोर्ट, उसमें जजेस के द्वारा बच्चे से संबंधित कम्युनिटी रिकॉर्ड मांगा जा सकता है। समझ लीजिए,
ये भी एक है यहाँ पर पॉइंट। इसके अलावा शिक्षकों एवं परामर्शदाताओं के लिए उन कारणों से संचयी अभिलेख रखना आवश्यक होता है जिन कारणों से एक चिकित्सक संचयी अभिलेख रखता है और एक लंबी अवधि तक रखे गए अभिलेख ग्राहक की वृद्धि एवं विकृति की कहानी कहते हैं। याद रखिए, डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं और जब प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तो क्या करता है, आप उसको क्या करते हैं, सुरक्षित रखते हैं ना। आज जब मान लीजिए हमको कंटिन्यू दिखाना पड़े 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 15 दिन के बाद या साल भर के बाद, तो हम उस रिकॉर्ड को अच्छे से रखते हैं ताकि जब भी हम जाएंगे डॉक्टर के पास वो हमसे वो पर्चा मांगेगा और वो पर्चा देते ही वो डॉक्टर समझ जाएगा कि हमने इस पर में क्या क्या काम किया है, हमने इसको कौन कौन सी दवाएं दी हैं या हमने इसको कौन कौन से चीज़ों के बारे में सावधानियां बरतने के लिए कहा था। तो डॉक्टर को काफ़ी वो हेल्प करता है। ठीक उसी प्रकार से कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखने की चीज़ है और इसीलिए वह प्रशासक के लिए, प्रिंसिपल के लिए, प्रशासक के लिए, स्कूल के जो डायरेक्टर हैं उसके लिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैकेनिज्म है उसके लिए यह सब एक बहुत महत्व रखता है बच्चों के कम्युनिटी रिकॉर्ड के बारे में। तो ये रहा महत्व के बारे में। अब हम थोड़ी सी चर्चा और उसकी उपयोगिता के बारे में देख लीजिए। उपयोगिता क्या है? साक्ष्य उपलब्ध एक ही स्थान पर हो जाता है, एविडेंस अवेलेबल इन वन प्लेस। यदि किसी व्यक्ति के बारे में या किसी छात्र के बारे में हमें कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो स्कूल चले जाएं और उस स्कूल में कम्युनिटी रिकॉर्ड मांग लें तो आपको उस छात्र से संबंधित सभी सूचनाएं एक ही जगह प्राप्त हो जाएंगी। तो यह उसकी उपयोगिता है, यह उसका महत्व है। दूसरा, छात्र के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन करने में मदद प्राप्त होता है विथ द व्यू टू हेल्प द स्टूडेंट कंडक्ट साइंटिफिक स्टडीज। संचयी अभिलेख द्वारा छात्र के विकास की गति को पहचाना जा सकता है और उसके बारे में वस्तुनिष्ठ जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। समझ रहे हैं ना, व्यक्ति के विकास से संबंधित उसकी गति को पहचाना जा सकता है, उसका इम्प्रूवमेंट कैसा है, वो किस दिशा में जा रहा है, सारे चीज़ों के बारे में हम कम्युनिटी रिकॉर्ड के माध्यम से जान सकते हैं। तीसरा, शिक्षकों को छात्र के विकास के प्रति संवेदनशील बनाने की दृष्टि से विथ ए व्यू टू मेक टीचर्स सेंसिटिव टू स्टूडेंट डेवलपमेंट। शिक्षक अपने छात्र के बारे में प्रायः उदासीनता का भाव प्रदर्शित करता है। कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो छात्र के प्रति उदासीन रहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में छात्रों की प्रगति और विकास के संबंध में शिक्षकों में अपेक्षित संवेदनशीलता विकसित करने के लिए संचयी अभिलेख बड़ा उपयोगी माध्यम सिद्ध हो सकता है। आप उदासीन ना हों, आप के लिए छात्र बहुत इम्पोर्टेंट है, छात्र के लिए आप बहुत इम्पोर्टेंट हो, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। आपको छात्र की सहायता करनी पड़ेगी, छात्र से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी रखनी पड़ेगी और ये केवल मतलब ओरली नहीं, रिटेन में, ताकि हमको आज भी काम दे और हमारे बाद किसी दूसरे को भी काम दे सके या 5 साल बाद 10 साल बाद किसी को भी काम दे सके। तो यह जो जानकारी है बच्चों से संबंधित एक शिक्षक के लिए बहुत महत्व रखता है। तो इसको हमें सुधार कर रखना चाहिए, इसको हमें सावधानी पूर्वक रखनी चाहिए। साथ ही साथ नियोक्ताओं को छात्र के बारे में निश्चित धारणा बनाने में सहायक होता है विथ ए व्यू टू बींग हेल्पफुल टू एम्प्लॉयर्स इन मेकिंग डिफिनिट एजम्पशन अबाउट द स्टूडेंट। कई ऐसे व्यवसाय हैं जहाँ नियोक्ताओं एम्प्लॉयर्स को अपने छात्रों के बारे में पूर्व धारणा बनानी पड़ती है और संचयी अभिलेख इस प्रकार की धारणा को निर्मित करने में अपेक्षित भूमिका अदा करता है। यदि कोई बच्चा किसी व्यवसाय में गया है तो जो रोजगार दे रहा है, जो एम्प्लॉयर्स है जिसके यहाँ वो काम कर रहा है, जो मालिक है, वो चाहे तो बच्चों से संबंधित प्रीवियस जानकारी प्राप्त करने के लिए वह कम्युनिटी रिकॉर्ड की सहायता ले सकता है, स्कूल से चाहे तो वो मंगवा सकता है ताकि हम उसके बारे में पूर्व धारणा बना सकें कि यह लड़का कैसा है और आगे कैसा करेगा। पांचवा, पर्यवेक्षकों तथा प्रशासकों को अपने कार्य में मदद देने की दृष्टि से विथ ए व्यू टू हेल्पिंग सुपरवाइजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स इन देयर वर्क। शिक्षा व्यवसाय तथा अन्य क्षेत्रों में पर्यवेक्षकों तथा प्रशासकों को अपने कार्य में सुगमता लाने की दृष्टि से भी संचयी अभिलेख का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि इस अभिलेख को देखकर व्यक्ति की समंजन संबंधी आवश्यकताओं का पूर्व निर्धारण हम कर सकते हैं। समंजन संबंधी, एडजस्टमेंट संबंधी, कभी कभी होता है ना कि यदि बच्चा किसी जगह गया, उसका सिलेक्शन हुआ और वहाँ वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है या उसको समायोजन करने में दिक्कत हो रहा है, समायोजित होने में दिक्कत हो रहा है, वो जल्दी से घुल मिल नहीं रहा है, उसको कहीं ना कहीं सफोकेशन फील होता है,
तो जो नियोक्ता है, जो प्रशासक है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो डायरेक्टर है, वो चाहे तो कम्युनिटी रिकॉर्ड मंगा सकता है और उस आधार पर में बच्चे को सजेस्ट कर सकता है, कुछ सुझाव दे सकता है, उसका परामर्श कर सकता है ना। तो बहुत डिफरेंट जो है अप्रोचेज हैं या डिफरेंट जो इसके महत्व हैं बहुत सारे हैं। छात्रों के बारे में सही सही आत्म संप्रत्यय विकसित करता है विथ ए व्यू टू हेल्पिंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स डेवलप ट्रू हेल्प एसर्टेशन अबाउट देम सेल्व। संचयी अभिलेख के सम्यक अवलोकन के द्वारा अपना आत्मसंप्रत्यय एवं आत्मबोध सही रूप में छात्र विकसित कर लेता है और इसके जरिए अपनी उपलब्धियों एवं आकांक्षाओं का वस्तुनिष्ठ विवरण भी प्राप्त करता है जो उसके आत्मप्रत्यय को निर्मित करने में आधार है। यदि छात्र देख सकता है अपने कम्युनिटी रिकॉर्ड को, ऑब्जर्व कर सकता है। कम्युनिटी रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि केवल शिक्षक ही देखेगा, वो चाहे तो शिक्षक से मांग करके खुद देख सकता है, पेरेंट्स उसके देख सकते हैं, आज देख सकते हैं, 5 वर्ष बाद देख सकते हैं, 10 वर्ष बाद देख सकते हैं और इस आधार पर में छात्र भी अपना सेल्फ जो है इवेल्युएशन कर सकता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस रास्ते में जा रहे हैं, हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। तो उसका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो भी अच्छे तरीके से डेवलप करता है। और लास्ट में अभिभावकों को सजग रखने की दृष्टि से विथ ए व्यू टू कीपिंग पेरेंट्स अलर्ट, यानी अभिभावक को अपने बालक से संबंधित शैक्षिक और व्यावसायिक संभावनाओं के बारे में विस्तृत रूप से ये जानकारी देता है और वास्तविक जानकारी देता है और इस आधार पर में हम उसके भविष्य के बारे में सजग हो जाते हैं कि यह आने वाले समय में क्या करेगा, क्योंकि ज़रूरी है। एक माता पिता के लिए बच्चा ही सब कुछ होता है, बच्चा अच्छा हो चाहे बुरा हो, बच्चा सबके लिए अपना होता है, अपना ही होता है। वो अच्छा करेगा तब भी, बुरा करेगा तब भी, लेकिन अच्छा करेगा ये तो ठीक लगता है, लेकिन यदि बुरा करे तो यह कोई नहीं चाहेगा, कोई माता पिता नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा बुरा करे, हमारा बच्चा सबसे अच्छा है, हमारा बच्चा सबसे अच्छा करेगा। हर बच्चे के प्रति उसके माता पिता में जो है अधिक लगाव होता है, वो अपने बच्चे को सबसे अच्छा बनना देखना चाहता है और इसीलिए वह शिक्षकों से परामर्श लेता रहता है, प्रिंसिपल से परामर्श लेता रहता है, आसपास पड़ोस से परामर्श लेता रहता है, गाइडेंस काउंसिलर से परामर्श लेता है। आजकल तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था ना कि बहुत सारे स्कूल में गाइडेंस काउंसिलर की जो टीचर हैं वो भी अपॉइंट होने लगे हैं, क्योंकि आजकल के स्कूल में काफ़ी आपराधिक प्रवृत्ति के बच्चे जो हैं देखे जा रहे हैं और हर बच्चे को कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की समस्या है और उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो हमारा सर्विस है वो अनवरत चल रहा है। सरकारी स्कूलों में तो बहुत कम ही देखने को मिल रहा है, सरकारी स्कूल में केंद्रीय विद्यालय में देखने को मिलता है, नवोदय विद्यालय में देखने को मिलता है, सैनिक स्कूल में देखने को मिल रहा है, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल सब में भी हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल है, जो स्टेट का जो है, उसमें बहुत ना के बराबर है ये सर्विस नहीं दिया जा रहा है। सर्विस के नाम पर में खाना पूर्ति हो रही है, सर्विस दे कौन रहा है, टीचर की सर्विस दे रहा है, लेकिन टीचर को सब प्रकार की चीज़ें जानकारी होगी तब तो, टीचर्स को इन सब चीज़ों के बारे में बहुत विस्तार से नहीं जानकारी रहती है। गाइडेंस एंड काउंसिलिंग का अलग से पाठ्यक्रम चल रहा है, अलग से डिग्रियाँ दी जा रही हैं, गाइडेंस एंड काउंसिलिंग में जो है MA तक के पाठ्यक्रम चलाए जाएँ, डिप्लोमा तक के पाठ्यक्रम चलाए जाएँ, PhD हो रही हैं, तो इसका स्कोप बहुत ज़बरदस्त है। जो विद्यार्थी, जो व्यक्ति इस चीज़ को अच्छे से समझता है वही इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से जानकारी रखता है और उस पर विशेष काम कर सकता है। हाँ, टीचर को ट्रेंड किया जा सकता है, कुछ विशेष जानकारी दी जा सकती है जो छात्रों से रिलेटेड हो, जो समय समय पर उसको काम आ सकता है, लेकिन जब विस्तार से किसी को काउंसलिंग देना हो या काउंसलिंग करना हो, गाइडेंस देना हो या गाइडेंस सर्विस उसको प्रोवाइड कराना हो, तो जो प्रोफेशनल है उन प्रोफेशनल को जो है वहाँ लाया जाता है। तो बच्चों, बताने के लिए बहुत कुछ है, तो आज हम लोगों ने ये जाना कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग में जो कम्युनिटी रिकॉर्ड है उसको, उसका फॉर्मेट कैसा होता है, उसका महत्व क्या है, उसकी उपयोगिता कैसी है, किस प्रकार से यह टीचर्स के लिए, किस प्रकार से यह निर्देशन देने वाला व्यक्ति जो है या गाइडेंस काउंसलिंग करने वाला व्यक्ति जो है उसके लिए, पेरेंट्स के लिए और छात्र के लिए कितना उपयोगी है, कितना महत्वपूर्ण है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना। आशा है कि आपको ये भी वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।